श्री शिरडी साई सर्व मंदिर में हुई चोरी। जी हाँ, आपको बताते चलें कि थाना वारादरी क्षेत्र के श्री शिरडी सर्व मंदिर में आज चोरों ने सेनवारी कर दी। आज सुबह लगभग 4:30 बजे एक चोर मंदिर में प्रवेश हुआ और साईनाथ के चांदी के चरण पादुका और दान पात को लेकर चंपत हो लिया। गनीमत रही कि चोर चरण पादुका को ले जाने में सफल नहीं हो पाए और मंदिर की दीवार पर ही छोड़कर फरार हो गया, जबकि दान पात को ले जाने में वह सफल रहा। पूरी हुई है, कैसे, क्या पूरी घटना है? रात 9 बजे शयन आरती करने के बाद मैं सोने के लिए ऊपर चला गया। जब मैं सुबह को 5:15 बजे नीचे उतरा तो सबसे पहले हमारे माली राम, जो मंदिर में राजकुमार माली रहते हैं, उन्होंने कहा दान पात्र गायब दिख रहा है। दान पात्र गायब था। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी वेदी पर एक चांदी के चरण पादुका रखे होते हैं, वो चरण पादुका भी गायब थे। और हमारे पैसे जो उसमें चौकी पर कुछ रखे रहते हैं वो रुपए गायब है। दान पात्र में 1 महीने का जो भी पैसा आता था वो 1 महीने बाद हम खोलते हैं, कितने थे ये पता नहीं, परंतु वो चोरी निकला। जब हमने CCTV फुटेज में देखा तो एक चोर व्यक्ति बाकायदा 4:30 बजे मंदिर में प्रवेश करता है, काफ़ी देर रहता है, जो दान पात्र हमारे फिक्स है उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, और उसके बाद जब वो नहीं ले जा पाता है तो जो दान पात्र ओपन रखा था वो ले गया है। चरण पादुका ले जाके उसने दीवार पर मंदिर की गेट पर रखी। पुलिस आई, उसने देखा चरण पादुका तो मिल गई है परंतु दान पात्र और जो अन्य सामान और रुपया गया है वो नहीं मिला है। परंतु चोर की स्पष्ट आकृति सकल CCTV फुटेज में आ रही है, जो पुलिस ने भी देखी। हमारी पुलिस, हम FIR कराने जा रहे हैं। पुलिस से मांग है जल्द से जल्द चोर को गिरफ्तार करें और मंदिर का दान पात्र और वो मंदिर को उपलब्ध कराएं।